आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाजुक बदनी रा बदनी रा बदनी रा बदनी रा अल हया खैर कुल्लुहु। मुस्लिम शरीफ। हया सरापा भलाई है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िबा और तौहीन आमेज़ तबसरे के खिलाफ पूरे मुल्क में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है और बीजेपी से मुअत्तल नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल की गिरफ्तारी के लिए जुमे को नमाज के बाद पूरे मुल्क में मुस्लिम तंजीमों ने सड़क पर उतर कर एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज के दौरान कहीं पुरअमन माहौल रहा तो कहीं इश्तियाल अंगेज माहौल देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के कई अजला में भी हंगामाराई की खबरें आईं। प्रयागराज तशद्दुद मामले में कई अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि बड़ी तादाद में लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एक रोज़ा दौरे के दौरान जुमे को नवसारी शहर में अपने साबिक स्कूल टीचर से मुलाकात की। निराली मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का इफ्तिताह करने के लिए यहाँ पहुँचने के बाद मोदी ने वडंगर से अपने साबिक उस्ताद जगदीश नायक के साथ कुछ वक्त गुजारा। अस्पताल के अहाते में उनकी मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। नायक अब 88 ईयर्स के हैं, जो अब तापी ज़िले के व्यारा में वो रह रहे हैं। उन्होंने मोदी को उस वक्त पढ़ाया था जब वो अपने ख़ानदान के साथ महासाना ज़िले के वडंगर कस्बे में रहते थे। नायक ने बाद में अपनी व्यारा रिहाइश गाह पर सहाफ़ियों को बताया, अगरचे एक मुख्तसर मुलाकात थी लेकिन मेरे पास ये बयान करने के लिए अल्फाज नहीं हैं कि मैंने कैसा महसूस किया। इतने साल गुजरने के बाद भी मेरे लिए उनके एहतराम और जज्बात में कोई फ़र्क नहीं आया। उनके पोते पार्था नायक ने सहाफ़ियों को बताया कि उन्होंने वज़ीर आज़म के दफ्तर को फ़ोन किया था कि उनके दादा वज़ीर आज़म से मिलना चाहते हैं। राज्यसभा इलेक्शन बीजेपी की बड़ी जीत। महाराष्ट्र हरियाणा में अपोजिशन के लिए परेशानी। बीजेपी ने 4 रियासतों में से 3 में जीत दर्ज की है। राज्यसभा की 16 सीटों पर करीबी मुकाबला हुआ। कांग्रेस ने राजस्थान में 3 सीटें बरकरार रखी हैं लेकिन हरियाणा में उसे धचका लगा है। मरकजी वजारत दाखिला ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की पुलिस के सरबराहों से तैयार और मोहतरत रहने को कहा है, क्योंकि तशद्दुद के दौरान उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है। वजारत ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुतनाज़ा रिमार्क को लेकर जुमे को हुए मुल्क भर के कई शहरों में ज़बरदस्त एहतजाज और तशद्दुद को देखते हुए यह कदम उठाया है। एक सीनियर अहलकार ने कहा है कि तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की पुलिस को चौकस रहने को कहा गया है, क्योंकि तशद्दुद के दौरान उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। अहलकार ने कहा है, हमने अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए तैनात पुलिस अहलकारों से कहा है कि वो मुमकिन फसादात के लिए तैयार रहें। मुल्क में अमन व अमान को ख़राब करने की दानिस्ता कोशिश की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर पुलिस के साथ साथ नीम फौजी दस्तों को भी चौकस रहने की ज़रूरत है। क्लासरूम्स में बगैर हिजाब आने की शर्त के सबब कर्नाटका के मुसलमान ऐसे स्कूलों का रुख कर रहे हैं जहां बच्चों को हिजाब पहनने की इजाज़त है। ऐसे स्कूलों में दाखिला लेने वाले मुस्लिम बच्चों की तादाद में इजाफा हुआ है। ये स्कूल सरकारी या इमदाद याफ्ता और गैर इमदाद याफ्ता हैं। इनमें से बहुत से स्कूल मुस्लिम तंजीमों के ज़ेर इंतज़ाम चलते हैं। महकमे पब्लिक इंस्ट्रक्शन के अहदेदारों ने इस बात से इनकार किया है कि एक रुझान हो सकता है और कहा कि अखिलती स्कूलों में जाने वाली मुस्लिम लड़कियों की तादाद गैर मामूली है। कई इदारों के सरबराहों ने कहा है कि वो कर्नाटका में हिजाब के सिलसिले में तनाज़े के बाद ऐसे मामलों का सामना कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर 7वीं जमात की एक लड़की जो वमंजूर में रहती है और पंचांडी के करीब एक स्कूल में पढ़ रही थी, उसने इदारा छोड़ दिया और गोरपुर कीमा में एक मुस्लिम अखिलती स्कूल में दाखिला ले लिया। बच्ची के सरपरस्त ने बताया कि हम क्लास 7 के बाद भी इसी स्कूल में तालीम जारी रखने का मनसूबा बनाए थे, क्योंकि इस स्कूल में हिजाब पहनने पर कोई पाबंदी नहीं थी। बेंगलुरु के कॉलेज में जुमे के रोज़ हिंदुत्व के नज़रिए सास विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर को क्लासरूम में लटकाने पर 2 तलबा ग्रुपों में पुरतशद्दुद झड़प हुई। बेंगलुरु पुलिस के सीनियर अफसरान के मुताबिक यह झड़प अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के अराकिन के दरमियान यूनिवर्सिटी कॉलेज में हुई है, जो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का कॉलेज है।
एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा है कि जुमे को खाने के वक्फे के दौरान हाथापाई हुई, दोनों ग्रुपों में झगड़ा हुआ। इस मामले पर दोनों ने एक दूसरे को गाली गलौज की और फिर जिस्मानी झगड़ा भी हो गया। CFI के कुछ तलबा को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हम इस मामले को देख रहे हैं और तहकीकात की जाएगी। तलबा के ग्रुप ने पीर के रोज कॉलेज के क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड के ऊपर सावरकर की तस्वीर लटका दी थी। कॉलेज की प्रिंसिपल अनसोया राय ने कहा कि कॉलेज ने इन पोर्ट्रेट को हटा दिया क्योंकि वो बगैर इजाजत के लगाए गए थे। मुतल्लिका तलबा को मुतनबा किया गया है और उन्होंने बाद में नज्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर तहरीरी मुआफ़ी मांगी। दक्षिणिया कन्नड़ यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इस्माइल बी ने इन तलबा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जो ये वाक़ा पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी हमारे रोल मॉडल हैं। महकमे तालीम ने सर्कुलर जारी करके वाजह किया होगा कि तालीमी इदारों में किसके पोर्ट्रेट लगाए जा सकते हैं, सर्कुलर पर अमल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि खास तौर पर यह वाकया एक तनाजा पैदा करने की कोशिश मालूम होता है। कोरोना वबा से 2 साल से नबर्द आजमा आवाम को उम्मीद थी कि अब राहत मिल जाएगी, लेकिन योमिया केसेस में जिस तरह से इजाफा दर्ज किया जा रहा है ये उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 8,329 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद फाल केसेस की तादाद 40,370 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10 अफराद की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीस उमर एनक्लिफ सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में, चार मीनार के दामन में, सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9995902386, 9995902386, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. Thank you.